हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दाली हुसैन और ऑर्डर ऑफ ड्रीम कलर ऑफ विंड, जिसको लिखा है थंगजाम इवोपिशाक सिंह ने। हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारे पोएट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम, एज वेल एज हम लास्ट में इसके लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन योर एग्जाम टाइम। हम पहले हमारे पोइट के बारे में जान लेते हैं। ये मणिपुर इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये एक ऐसे पोइट थे जिन्होंने बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पोइट्री लिखी, यानी कि इंसान को सोचने पर मजबूर कर दें ऐसी पोइट्री। इनकी पोइट्री सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को प्रेजेंट करती है। इनकी पोइट्री में इमेजरी बहुत होती है, यानी उस पोइट्री को पढ़कर हमारे मन में भी एक समझिए एक पिक्चर सी बन जाती है कि हम उसको इमेजिन करने लग जाते हैं। अपने पूरे कैरियर के दौरान इनको इवोपिशाक सिंह को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इनके जो लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले एक बार ही हम कंटेक्स्ट जान लेते हैं। बेसिकली कंटेक्स्ट ये है कि हमारे जो पोएट है वो एक ड्रीम देख रहे हैं, एक एब्सर्ड ड्रीम। कोई सर पैर नहीं है इस ड्रीम का, बस चल रहा है, कुछ भी बात करेंगे इसमें जो जो इनके विजन में आएगा। तो यही स्टार्टिंग में फर्स्ट पैराग्राफ में बोलते हैं, माई अंकल फ्रॉम वांगू आस्ट मी, जो पूरा पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें कहते हैं। इनके जो अंकल है वो इनसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं कि कितनी चावल की खेती हुई बताओ। और हमारे जो पोएट हैं वो अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, किशो से पूछ रहे हैं कि तुमने कितनी पोएम लिखी। इससे पता चलता है कि दोनों का माइंडसेट कितना डिफरेंट है। अगले पैराग्राफ में लिखा है राइट एंड देन टीयर अप, राइट एंड देन टीयर अप, अ कैशियर काउंट्स ओल्ड 1 रुपी नोट। पूरा जो पैराग्राफ है टिल वन बाय वन लास्ट पैराग्राफ, इसके लास्ट लाइन तक, इसमें पता चलता है कि मैं लिखता हूँ फिर फाड़ देता हूँ, लिखता हूँ फिर फाड़ देता हूँ। यानी कि हमारे पोएट पोएट्री लिखते हैं, फिर उसका पेज फाड़ देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर फाड़ देते हैं, क्योंकि ये अपनी पोएट्री सेटिस्फाइड नहीं है। फिर इनकी विजन चेंज हो जाता है जल्दी से। अब ये कहते हैं कि मेरे विजन में एक कैशियर आ रहा है जो पुराने नोट गिन रहा है। अब वो कैशियर नोट गिनता है, नोट गिनता है, नोट गंदे हैं और पुराने से हो गए हैं, बदबू आ रही है, तो वो उनको गिन के फिर अपने हाथ धोने चला जाता है और फिर आता है वो उन्हीं नोटों को खा जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक एब्सर्ड ड्रीम है, इसमें कुछ भी हो रहा है, कि जो हमारी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत डीवैल्यूड हो गए हैं, वो इतने डीवैल्यू करा जा रहा है उनको लोगों के द्वारा। यानी कि दिखाते हैं कि जो फाइनेंशियल पॉलिटिक्स है हमारी सोसाइटी में। सेकेंड पार्ट पे हम आ गए हैं, छोटा है ये पार्ट थोड़ा। ये कहते हैं ट्रू द पोएट सेज लीव्स डू नॉट मूव विदाउट अ फ्लीटिंग विंड, ट्रू आई ऑल्सो से इवन इफ द विंड ब्लोज और नॉट, इवन इफ इट रेन्स और नॉट, लीव्स नेवर मूव इफ देर आर नो लीव्स ऑन द बेयर ट्री। यहाँ पे हमारे पोएट एक रेफरेंस दे रहे हैं कि दूसरा पोएट कहते हैं कि पत्तियां तब तक नहीं गिरती जब तक हवा नहीं चलती। बाकी कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ हवा चले या ना चले, बारिश हो या ना हो, लीव्स तब नहीं गिरेंगी अगर लीव्स होंगी ही नहीं, अगर पत्ते होंगे ही नहीं तभी वो नहीं गिरेंगे, वरना पत्ते जरूर गिरेंगे। ये एक तरीके का सिंबल है कि हमारी सोसाइटी में जो काम हो रहे हैं, जिस तरह के ट्रांजैक्शन, जिस तरह के थॉट्स चलते आए हैं वो चलते रहेंगे। और अगर कोई कहता है कि किसी वजह से ये चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, किसी वजह से करप्शन है, किसी वजह से सोसाइटी में लव है, तो ये सब चीजें अगर होंगी ही नहीं तो बढ़ेंगी भी नहीं। तो ये एक फिलोसफी देते हैं अपने यहाँ पे पत्तों और ट्री से जोड़ के। हम मूव करते करते हैं अपने थर्ड हमारे इस पार्ट की तरफ। वन नोज मैन्स थॉट्स फ्रॉम हिज स्पीच एज फॉर द माइंड्स वर्ड ऑफ अ टाइट लिप्ड मैन, One can read them from his eyes. That is why to conceal my mind, I put on dark glasses again, so that even the glasses cannot read. I keep my two eyes shut. Men who close their eyes can be seen inside a lockup or inside a sacred temple. हमारी starting की तीन lines ये बताती हैं कि एक इंसान की कैसी नीयत है, एक इंसान की कैसी
थॉट्स हैं वो उसके एक्सप्रेशन से, उसकी आंखों से पता चल जाता है किस तरीके से आपको कोई देख रहा है, किस तरीके से आपसे कोई एक्सप्रेस कर रहा है थ्रू एक्सप्रेशंस, आपको पता चल जाएगा कि वो आदमी कैसा है। तो कहते हैं कि इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। ये जब ग्लासेस लगा लेते हैं उसको बोलते हैं कि उसको आंखें बंद कर लेना बोलते हैं। कहते हैं इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ ताकि कोई भी इन्हें पढ़ ना पाए। फिर ये कहते हैं जो अपनी आंखें बंद करते हैं ना, या तो वो लॉकअप में होते हैं या तो भगवान के पास। इसका मतलब है या तो वो बुरे लोग होते हैं बहुत, या तो वो अच्छे लोग होते हैं, या तो बच रहे होते हैं या तो भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं। आई हैव नेवर सीन फिश फ्लाइंग इन द स्काई बट आई ऑफन सॉ डक्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। यू से यू आर रॉन्ग, आई से आई एम रॉन्ग, द वेदा से आई एम इन ब्रह्मा लाई जीरो। यू ऑल्सो से आई एंड आई टू डिक्लेयर वट दे कॉल यू इज नेवर मी। यहाँ पे ये रियलिटी और झूठ, यानी कि जो आप बोल सकते हैं परसेप्शन, चीजों को मानना, और जो सच्चाई है, जैसे कि फिश उड़ नहीं सकती और डक्स तैरती हैं, एक इनमें से झूठ है और एक इनमें से सच है। तो यही एक इन्होंने जक्स्टापोजिशन की है कि फिशेज उड़ नहीं सकती, तो ये परसेप्शन है कि फिशेज शायद उड़ पाए नहीं, हम मान सकते हैं एक बार को उड़ लें पर वो रियलिटी कभी नहीं हो सकती, पर डक्स ये तैरती हैं ये तो एक रियलिटी है। अगेन आपको ये बात लगेगी सेंसलेस, पर नहीं, ये एक एब्सर्ड पोएम है, इसीलिए इसमें ऐसी ही बातें होती हैं जिनका मीनिंग समझना डिफिकल्ट होता है, या तो उनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकल रहा होता। यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मा में जीरो है, ब्रह्मा जो है वो खुद शून्य है, ये आप भी कहते हो, ये मैं भी कहता हूँ, तो फिर हम आपको मैं क्यों नहीं कहते? अगर आप और मैं सेम बात कह रहे हैं तो हम दोनों सेम क्यों नहीं है? यहाँ पे इस बात से कह के थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है, फोर्थ पार्ट स्टार्ट होता है, विच इज मोर प्रेग्नेंट, द रिपोर्ट ऑफ गन्स और द सेंट ऑफ फ्लावर्स, द साउंड ऑफ गन लाइज ऑन द नोज, द ऑर्डर ऑफ फ्लावर्स ऑन द टिप्स ऑफ फ्लावर्स, ब्लाइंड मैन सी कलर्स ऑन वॉइसेस। यहाँ पे फ्लावर्स और गन्स, यानी कि बंदूकें और फूलों को साथ में यूज किया गया है। इससे हमें पता चलता है कि हम सच्चाई और एक तरीके की झूठ, यानी कि हम चीजों को जिनसे बचते बचते फिरते हैं, यानी कि जो झूठ फरेब जैसे बंदूकें, मर्डर्स, इन सब बातों को, और दूसरे पार्ट में हमने फ्लावर्स की जो खुशबू है उनको रखा। तो हम ये देख रहे हैं कि इनमें से क्या चीज ज्यादा अच्छी है आपके लिए, खुशबू अच्छी है या ये गन ज्यादा अच्छी है। अ लव लेटर, अ होरोस्कोप ऑफ माई ग्रैंड फादर, अ रेडियो विच बिलोंग्स टू आर मदर, अ पेयर ऑफ ट्वीजर्स ऑफ माई सन, 10 बॉटल्स ऑफ रम फ्लाइंग इन एयर, वन ब्रासियर विच बिलोंग्स टू माई ग्रैंड मदर, अ पेयर ऑफ लिंगाम्स, अ बर्ड कैरिंग अ बंच ऑफ कीज इन इट्स ब्रेक बीक, वन विसल टू बटरफ्लाईज, अ केक ऑफ सोप, अ शेक्सपीरियन सॉनेट, अ पेयर ऑफ क्लॉग्स टाइड अप बाई वीमेन्स हेयर, एन एग सिंक स्लोली स्लोली वेरी स्लोली, पियर्सिंग माई स्लीपिंग टीन एज डॉटर्स हेयरलेस पेट, देन हर टू ईयर्स मोर मूव लेजी। यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं वो उन हाउस हर चीज का नाम लेते हैं जो इनके इस टाइम दिमाग में आ रही है, अपने फादर, अपने ग्रैंडफादर के होरोस्कोप, एक लव लेटर का, कुछ रम की बॉटल्स का, कुछ ट्वीजर्स के पेयर का, शेक्सपियरियन सॉनेट, एक सोप, ऐसी चीजों का नाम लेते हैं जो बहुत ही रैंडम एपिसोड है। अब ये इस सब बात नाम सब का नाम लेके हम अपने पैराग्राफ को एंड कर देते हैं, पर यहाँ पे इन शॉर्ट पूछना चाहते हैं कि आप क्या चूज करोगे जब आपके पास, आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं, व्हेन द थॉट्स आर सो ऑक्यूपाइड इन योर हेड कि आप किसी चीज पे, डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। वन डे वॉन्टिंग टू ओन अ पीपल ट्री, आई क्लाइम्ड अटॉप अ रिच मैंस टॉल बिल्डिंग एंड एंटरिंग हिज बाथरूम लुक्ड फॉर वन, आई लाइक पीपल ट्रीज वेरी मच, आई वुड लाइक टू सी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्फाल वॉकिंग विद अ स्मॉल पीपल ट्री ग्रोइंग ऑन हिज हेड। ये बताते हैं कि मैं एक दिन एक बहुत ही अमीर आदमी की बहुत ही टॉल बिल्डिंग के ऊपर एक पीपल ट्री था, वहां चढ़ गया और वहां पे भी मैं एक पीपल ट्री ढूंढ रहा था बाथरूम के अंदर, क्योंकि मुझे पीपल ट्री, पीपल की जो पेड़ है बहुत पसंद है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ के सारे लोगों के सिर पर भी पीपल के ट्री उग जाए। देन इनसाइड दैट बाथरूम आई फाउंड माई वाइफ लीनिंग हाफ हर बॉडी वेस्ट अबव टर्निंग इन टू अ पीपल, वेस्ट बिलो हर बॉडी विदाउट क्लोथ्स, आई वॉज नॉट सरप्राइज, आई वॉज नॉट वरीड,
आई डिड नॉट क्राई. गिरीश कर्नाड. माई वाइफ मेटामॉर्फोज इन टू योर चेलुवी. हाउ कैन आई क्लेम नाउ दैट आई लाइक पीपल ट्रीज. ये कहते हैं कि मैं जब अपनी बाथरूम में गया तो वहाँ पे मेरी वाइफ थी, उसकी जो अपर बॉडी थी वो एक पीपल के पेड़ में बदल गई थी और लोअर बॉडी उसकी नेकेड थी. तो ऐसी बॉडी देख के अब मैं क्या करूँ. गिरीश कर्नाड जो हमारे अनदर एक लिटरेरी लिटरेरी पीस राइटिंग है, राइटर हैं, अब ये भी इनसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसी अपने काम में, अपने इस पोएम में, कि अब मैं क्या करूं जब मेरी वाइफ ही पीपल ट्री में बदल गई है. इसके साथ हमारी पोएम तो खत्म होती है, पर आपको जो लिटरेरी डिवाइसेस में यूज हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तो हम वही जान लेते हैं फटाफट. जब इन्होंने वो लाइन यूज की थी, मेन हु क्लोज देयर आइज कैन बी सीन इनसाइड अ लॉकअप और इनसाइड अ सेक्रेट टेम्पल, कि जो आदमी अपनी आंखें बंद करते हैं या तो बहुत अच्छे या तो बहुत बुरे होते हैं, या तो लॉकअप में होते हैं या तो टेम्पल में होते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने पैराडॉक्स यूज किया है, जब दो अपोजिट सेंटेंस को साथ में यूज किया है. जब ये हर चीज को, जैसे पीपल ट्री को उगाना चाहते हैं इनके सिर पे, या क्या बोलते हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज लिविंग ये परसीव करते हैं, तो उस टाइम पे परसोनिफिकेशन यूज कर रहे हैं. यहाँ पे एक आयरनी भी है हमारे लास्ट सेक्शन में, कि वैसे तो सबको चाहते हैं हमारे पोएट की सारे पीपल ट्री अपने उनके सिर पे उगाए, पर जब खुद की वाइफ के ऊपर इनके पीपल ट्री उगाता है तो ये परेशान हो जाते हैं. So these are some of the literary devices used in the poem. Thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave.